हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज। और आज हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड मेथड के टाइप के बारे में। तो बेसिकली जो यूज़र डिफाइंड मेथड के जो टाइप होते हैं, 4 टाइप के होते हैं मेनली। तो आज हम सबसे पहला टाइप देखेंगे, अ मेथड विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो हमें इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे यहाँ पर मेथड विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। तो इस क्लास का हम नाम देंगे, यहाँ पर हम एक नई, मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नई क्लास क्रिएट करेंगे और इस क्लास का हम नाम रखेंगे सैंपल। सैंपल देन नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे प्राइवेट डबल। यहाँ पर हम दो वेरिएबल लेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। दोनों ही वेरिएबल हमारे क्या है, प्राइवेट है और किस टाइप के, डबल टाइप के। देन हम क्या करेंगे, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और कि कंस्ट्रक्टर किस टाइप का होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर हम किसको ले लेते हैं, N1। ओके, देन यहाँ पर दूसरा हम लेते हैं N2। ओके, देन यहाँ क्या करेंगे, जो N1 होगा उसकी वैल्यू हम किस में पास कर देंगे, नंबर वन में। और जो हमारा N2 होगा उसकी वैल्यू किस में पास कर देंगे, नंबर 2 में। जो N2 की वैल्यू पास करेंगे नंबर 2 में। देन क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड लेंगे सम, और ये क्या होगी इसकी विदाउट पैरामीटराइज, मींस ये हमारी क्या है इसका, सॉरी यहाँ पर विदाउट पैरामीटराइज, और इसको हम क्या दे देते हैं, void, means ये कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करी, means विदाउट पैरामीटराइज एंड विदाउट रिटर्न टाइप। देन क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, देन नंबर 1 प्लस नंबर 2। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देंगे, system.out.println, और यहाँ पर हम लिखते हैं रिजल्ट। देन हम क्या करेंगे, इस क्लास से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे डेमो, और इस डेमो के अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। देन क्या करेंगे, सैंपल क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सैंपल, और उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे s equals to new sample। देन क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा सैंपल है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट लिया, तो हमें क्या है वैल्यू पास करनी पड़ी, यहाँ पर हम देते हैं 10 देन 20। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड की सैंपल को, इसने क्या किया, यहाँ पर गया तो जो हमारा 10 हो गया वो वैल्यू किसको हो गई, N1 को असाइन हो गई, मीन्स नाउ N1 इक्वल्स टू 10 एंड N2 इक्वल्स टू 20। देन क्या हुआ,
जो 10 है उसकी वैल्यू किसको असाइन होगी, नंबर 1 को, और n 2 की वैल्यू नंबर 2 को। देन अब क्या हो गया, हमारा नंबर 1 इक्वल्स टू 10 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 20। देन अब ये यहाँ पर आया n नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2 मीन्स ये क्या हो गया, अब क्या हो गया रिजल्ट क्या हो गया 30। देन क्या होगा 30 प्रिंट होगा। तो प्रिंट कब होगा, जब हम क्या करेंगे इसको कॉल करेंगे। तो देन एस डॉट सम, हमने मेथड को जिसे ही कॉल किया तो ये उसने सम मेथड कॉल की। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करवा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 30। तो ये था हमारा मेथड विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।